कैसे आप सब, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कुक विथ एजीआर में। आज मैं सूजी से बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी। इसको खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने आधा कटोरा यहाँ सूजी लिया है। आप पतला मोटा कोई भी सूजी ले सकती है। देखिए, आधा कटोरा सूजी है ये, मैं इसको इसमें डाल लूंगी। मैं देखिए आधा कटोरा बेसन भी ली हूँ। जिस कटोरे से मैंने माप कर सूजी लिया था उसी कटोरे से माप कर मैंने बेसन भी लिया है। यहाँ मैंने एक आलू लिया था, थोड़ा बड़ा साइज का आलू था। उसे मैं देखिए पतले पतले इस तरह लच्छे कर ली हूँ कद्दूकस से और अच्छे से साफ से धुल ली हूँ। यहाँ मैंने प्याज लिया है, एक छोटे साइज का प्याज है, इसे मैंने महीन महीन काट लिया है। बस प्याज को महीन महीन ही काटना है। मैं इसमें ये आलू भी डाल दूंगी। आलू को जब भी आप काटिएगा, काटने के बाद उसको पानी में रखिए, नहीं तो आलू काले पड़ जाते हैं। देखिए, मैंने पानी में इसे रखा था तो आलू बिल्कुल ही साफ है। ये चिल्ली फ्लेक्स है, मिर्च को मैंने कूट कर इसे बनाया हुआ है घर पर ही। ये भुने हुए जीरा का पाउडर है। यहाँ मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। ये आधा चम्मच अजवाइन है, इसे मैं हाथों से क्रश क्रश करके डालूंगी। बेसन की ये है तो मैं इसमें जरा सा अजवाइन डालूंगी। अजवाइन जो है पाचक का काम करता है। ये जरा सा कसूरी मेथी है, इसे हाथों से इस तरह से कस करते हुए इसको भी डाल दूंगी। यहाँ मैं बहुत जरा सा हल्दी पाउडर दूंगी, सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। यहाँ देखिए, मैंने पैन में तेल डाल दिया है और यहाँ मैं थोड़ा सा एक चम्मच सफेद तिल ली हूँ, उसको इसमें डाल दी हूँ। बैटर को बनाते समय मुझे दो कटोरे से थोड़ा कम पानी लगा है। इसको डाल के इस तरह से चलाना है, बिल्कुल ही गैस का फ्लेम जो है धीम कर देंगे। इस तरह इसको चलाते हुए पकाना है। धीरे धीरे बैटर जो है एकदम गाढ़ा हो जाएगा। गैस का फ्लेम धीमा ही रखना है। देखिए, धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, अभी इसे और पकाना है। देखिए, धीरे धीरे पैन को एकदम छोड़ने लगा है, एकदम दो के तरह ये हो गया है। अब मैं इसे गैस बंद करके उतार लूंगी। यहाँ देखिए, मैंने एक थाली लिया, उसमें तेल लगा लिया है और इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगी जितना मैंने बनाया है। अब इसको मैं इस तरह से जमा दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे रख दूंगी ताकि अच्छे से जम जाए। यहाँ देखिए, 10 मिनट मैंने इसे रख दिया था, अच्छे से ये जम गया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ छोटी से। आप किसी भी शेप में कट कर सकती हैं। मैं देखिए कढ़ाई में यहाँ तेल रख दी हूँ। आप इसे सेलो फ्राई करिए चाहे डीप फ्राई करिए, मैं यहाँ इसे डीप फ्राई करूँगी। इस तरह से मैंने पीसेस में इसे कट कर लिया है। जैसे एक तरफ ये फ्राई हो जाएगा मैं इसे पलट दूंगी। पलट के दूसरे तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। अलग पलट के अच्छा सा गोल्डन हो जाए इसको फ्राई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। जब भी बच्चों को छोटा मोटा सा भूख सकता है, अगर आपको तुरंत नहीं तलना है तो इसे आप डब्बे में बंद करके रख सकती हैं और एक दो हफ्ता तक आराम से खा सकती हैं। इसे तल कर दे दीजिए। इस तरह से देखिए अच्छा सा ये गोल्डन फ्राई हो गया है। मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन सा कलर आया है। आवाज़ सुन पा रही हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये और बहुत ही कम सामान से ये बन के तैयार होते हैं। सबके घरों में ये अवेलेबल होता है। इस तरह से मैं सभी को फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स, बन के तैयार है हमारा गर्मा गर्म सूजी और बेसन का पकौड़ा या फिर स्नैक्स कुछ भी कहिए। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। खाने में बहुत ही टेस्टी है ये और बहुत ही कम सामान से ये बनके तैयार हुआ है। तो इसे आप सेजवान सॉस के साथ गर्मा गर्म खाइए। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर लीजिएगा। लाइक करने से हमें पता चलता है आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या नहीं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।